कि अगर उनको पेंशन नहीं मिलेगा तो बुढ़ापे में क्या दिक्कत होगी महिलाओं को। इसलिए हमारी सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, इसलिए पेंशन हमें चाहिए। इससे कोई समझौता हम सरकार से नहीं कर सकते हैं। सरकार का जो आदमी है, चाहे विधानसभा में हो, लोकसभा में हो, राज्यसभा में हो, जितने पद पर वो रहे हैं उनको उतना पेंशन मिलता है, फिर ऑल इंडिया के कर्मचारियों को क्यों नहीं। मोदी जी की सरकार ने कोरोना के नाम पर जो हमारा 18 महीने का महंगाई भत्ता खा गया है वो वसूलने के लिए हम आए हैं। जो निजीकरण हो रहा है उस पर रोक लगाने के लिए हमारे कर्मचारी को, सरकारी सेवकों को पेंशन देना होगा। इसी मांगों को लेकर के आज हम हजारों हजार की संख्या में रामलीला मैदान में आए हैं। नमस्कार, न्यूज क्लिक आपका स्वागत है। मैं हूं मुकुंद और अभी हम मौजूद हैं दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान पर, जहां पर एक बार फिर देश भर के अलग अलग राज्यों से हजारों हजार कर्मचारी पहुंचे हैं और एक चेतावनी रैली कर रहे हैं, जिसके माध्यम से केंद्र सरकार को चेताने आए हैं जो कर्मचारियों के हक की जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए और न्यू पेंशन स्कीम को रद्द किया जाए। इसके अलावा ये प्राइवेटाइजेशन से लेके यहाँ पहुँचे हैं और सरकार को समझाने आए जो कर्मचारियों हक की बात करें, नहीं तो आने वाले समय में कर्मचारी सरकार के खिलाफ और उग्र आंदोलन कर सकता है। और इस पूरी रैली में आए हुए अन्य राज्यों के कर्मचारियों से और इसके अलावा जो यूनियन के नेता हैं उनसे हमने बात की और समझने का प्रयास किया कर्मचारी सरकार के विरोध आंदोलन क्यों कर रहे हैं और सरकार अगर इनकी बातें नहीं मानती तो आगे इनका आंदोलन किस तरह से चलेगा। ये आज की जो चेतावनी रैली यहाँ हो रही है, बड़ी तादाद में जो पूरे देश भर के कर्मचारी यहाँ आए हैं, इनकी मांग है कि केंद्र सरकार पीएफआरडीए एक्ट को रद्द करे, पुरानी पेंशन बहाल करे और ये बहाली जनवरी 2004 से होनी चाहिए। दूसरा, 60 लाख से ज्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं, बेरोजगारी नेशनल एवरेज 8% को पार कर गई है, लेकिन 60 लाख से ज्यादा पद जो खाली पड़े हैं उनको नहीं भरा जा रहा। हमारी मांग है उनको भरा जाए, बेरोजगारों को रोजगार दिया जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि अलग अलग देखते हैं कि ट्रेड यूनियन डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर लगातार हमले हैं। हमारी जो पोस्टल की फेडरेशन है उनको डीरेकग्नाइज कर दिया है, इसरो स्टाफ एसोसिएशन उसको डीरेकग्नाइज कर दिया है, वो बहाल उनकी किया जाए। तीसरी हम बात कर रहे हैं कि जितने भी आउटसोर्स कॉन्ट्रैक्ट डेली वेजेस आदि जो कर्मचारी हमारे ठेके पर काम कर रहे हैं उनकी सबकी सेवाओं को पक्का किया जाए, नियमित किया जाए और नियमित होने तक समान काम समान वेतन और सामाजिक सुरक्षा का लाभ उनको दिया जाए। इससे अगली मांग है आठवां पे कमीशन का गठन हो जो जनवरी 2026 से लागू होना है, लेकिन अब तक उसका गठन नहीं हुआ। सरकार का दावा है कि जीएसटी रिकॉर्ड तोड़ कलेक्शन है, बावजूद इसके हमारा जो कर्मचारियों का पेंशनरों का 18 महीने का जो डीएडीआर कोरोना काल में फ्रीज किया था आज तक उसको बहाल नहीं किया गया। इसलिए ये जो नेशनल मुद्रीकरण पाइपलाइन है इसके नाम पर जो रेल तेल भेल सेल बैंक बीमा पोर्ट एयरपोर्ट स्टेडियम बिजली ये सब जो प्राइवेटाइजेशन किया जा रहा है इस पर रोक लगे, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उस पर रोक लगे, क्योंकि वो पूरी तरीके से शिक्षा को बर्बाद करेगी, निजीकरण को बढ़ावा देगी। एक्सग्रेस एम्प्लॉयमेंट स्कीम है उसमें शर्तें लगा रखी है जिसकी वजह से मरते कर्मचारियों का आश्रित को नौकरी नहीं मिल रही है, उनको भी नौकरी देने का काम किया जाए। इन मांगों को लेकर के आज ये रैली है। सरकार ने जो सरकारी नौकरी का महत्व है वो एनपीएस ला करके खत्म कर दिया है, जो जिसके कारण महंगाई है, बेरोजगारी है, अनेक प्रकार की समस्या बढ़ती जा रही है। चुनाव का समय है, जब भी सरकार ने कर्मचारियों से पंगा लिया है सरकार को मुंह की खानी पड़ी है। अगर ये मोदी की सरकार है इसको लागू नहीं करती है तो इसको मुंह की खानी पड़ेगी। नई पेंशन स्कीम जो पेंशन योजना कर्मचारियों के लिए बुढ़ापे का सहारा थी, जो उनको जीवन यापन करने में मदद करती थी और समाज के अंदर सम्मान से जीने का अधिकार देती थी, वो है पुरानी पेंशन योजना। और नई पेंशन योजना में बुज़ुर्गों के लिए, रिटायर्ड कर्मचारियों के लिए एक तरह से उनके हितों पे और उनके भविष्य पे, उनकी सामाजिक जो स्तर है उस पर कुठाराघात किया है।
जो नई पेंशन योजना में जो कुछ मिलता भी है, 1,500 हमारे दिल्ली जल बोर्ड के अंदर, मेरे पास उदाहरण है कि एक महिला साथी रिटायर हुई, उसकी 1,500 रुपये पेंशन बनी है। एक सीनियर असिस्टेंट UDC लेवल का कर्मचारी रिटायर हुआ है, उसकी 3,500 रुपये पेंशन बनी है। जहां एक तरफ सरकार ढकोसले करती है कि हम बुजुर्गों को पेंशन दे रहे हैं, हम महिलाओं को पेंशन दे रहे हैं, मतलब उनको 1,000-2,000 रुपये पेंशन दे रहे हैं, और एक सरकारी कर्मचारी जो 35-40 साल नौकरी करके जाता है, जो 2004 के बाद जो लगे हुए हैं, वो जो आज रिटायर हो रहे हैं 19-20 साल के बाद भी, उनको 1,500 रुपये पेंशन मिल रही है, तो ये कर्मचारियों के साथ अन्याय है। इसलिए पूरे हिंदुस्तान का सरकारी कर्मचारी, चाहे वो केंद्र सरकार में काम करता हो चाहे राज्य सरकार में काम करता हो, और ये चाहते हैं कि पुरानी पेंशन योजना लागू की जाए। हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहते हैं राज्यसभा के अंदर कि जो पुरानी पेंशन योजना को लागू कर रहे हैं राज्य, वो पाप कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जी से सरकारी कर्मचारी पूछना चाहता है कि अगर पुरानी पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए पाप है, तो वो पाप आप क्यों कर रहे हैं? एक MLA, एक MP 4 बार चुना जाए तो 4 पेंशन, और यहाँ 40 साल नौकरी करने के बाद भी पेंशन नहीं, तो ये अन्याय है, और इस अन्याय को अब सरकारी कर्मचारी सहन नहीं करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी किसी मुख्यमंत्री की सुन नहीं रहे हैं। जैसे कि उन्होंने किसानों के बारे में जिद किया था कि मैं अपना वो वापस नहीं लूंगा प्रस्ताव, उसी तरह वो OPS के बारे में जिद किए हुए हैं। सारे मुख्यमंत्री परेशान हैं। मध्य प्रदेश से कर्मचारी लोग इतने उग्र हैं कि वो सरकार को कुर्सी से हटाने की पूरी तैयारी में है। अगर न्यू पेंशन स्कीम इतनी ही अच्छी थी, या पेंशन देना इतना गुनाह है कर्मचारियों के लिए जो इतने सालों से काम करते हैं वो करते हैं, अगर ये गुनाह है तो क्या नाम करके आदर्श जैसे जितने भी नेता हैं, MP हैं, MLAs हैं, ये सब, इनको क्यों पेंशन दी जाती है? भाई इन तो 5 साल के होते हैं ना, और एक आदमी 36 साल तक सर्विस करता है। डॉक्टर, ये जज साहब जो DY चंचूड़ हैं, इनके पिताजी ने एक फैसला दिया था कि पेंशन बाउंटी नहीं है, पेंशन कोई उपहार नहीं है, ये कर्मचारियों के द्वारा किया गया वह कार्य है जिसके एवज में उन्हें पेंशन मिलती है। और आज ये हालात हैं कि जो आदमी पेंशन, जो न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत हमारी कटौती भी आप करते हैं, और उसके बावजूद हमको पेंशन कितनी मिलती है? आज जो रिटायर हो रहे हैं 15-20 साल की नौकरी के बाद, किसी को 900 रुपये, किसी को 1200 रुपये, किसी को, क्या इतनी भीषण महंगाई के अंदर क्या 900 और 1200 रुपये में उस पेंशनर्स का गुजारा हो सकता है? तो ये जो पेंशन स्कीम है, ये सिवाय क्या है, ये एक्चुअली में जो सही माने में सरकार की से ज़्यादा कॉरपोरेट को फ़ायदा पहुंचाने वाली ये स्कीम है, क्योंकि सारा पैसा कॉरपोरेट मैनेज कर रहा है और सरकार उनके झोली में डाल रही है। दैट इज़ इस कारण से क्या नाम करके ये न्यू पेंशन स्कीम लाई गई है, और इसके अंदर कुछ भी नहीं है। जो हमारी अभी बहुत से जगह रिक्त है, जो हमारे सिर्फ महाराष्ट्र में 18,000+ नर्सेस है, उसी के अगेंस्ट हमारे अभी सब सिर्फ 12,000 नर्सेस है। तो 12,000 नर्सेस, 6,000 पोस्टिंग हमारी खाली है, इसकी वजह से हमारे नर्सेस पे ज़्यादा एडिशनल चार्ज है, इसी वजह से हमारा जो मेंटल हेल्थ है वो चला जाएगा। पोस्ट जो उसको भरा नहीं जा रहा है। जो 27 जनवरी 2013 को जब भी एक GR निकला था, उसमें जो पोस्ट मंजूर थी अभी भरी नहीं गई हो। हम लोग पूना से आए हैं, जब नर्सेस काम करती है ना तो उनको लिमिटेशंस नहीं रहता होता, 24/7 उनका ड्यूटी चार्ट बताया जाता है। आप ही बताओ 24/7 एक नर्स कैसे क्या कंटिन्यूसली आप लोगों को सर्विस नहीं दे सकती। 2015 में जो लास्ट का ये हुआ, गवर्नमेंट का पूरा अलॉटमेंट हुआ, उसके बाद कोई नहीं है। हर साल कितने सारे लोग रिटायर होते लेकिन नए आते नहीं है। तो 2005 से हमारे साथ बॉन्डेड जो है नर्सेस, तो हमारा ये कहना है कि उनको ही आप कंटिन्यूएशन दे दो, तो हमारा थोड़ा सा वर्कलोड है वो कम हो जाएगा। और जूनी पेंशन योजना, आज हम लोग 30-30 साल एक जगह पे काम करते हैं, दिन के 12 घंटे अगर हम लोग आपको देते हैं हमारी फैमिली छोड़ के, तो हमारे रिटायरमेंट का क्या है?
हमारा रिटायरमेंट सेफ होना, हर तरह का डिसीजन होता है उसका रिकवरी नहीं होता, तो हम लोग किस बेस पे ये 30-30 साल का जॉब करें। देखिए दिक्कत है, झारखंड में भी OPS लागू कर दी गई है, लेकिन जब तक PFRDA एक एक्ट है वो नहीं समाप्त किया जा सकता है, तो अभी झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, कल हो जाएगी BJP की सरकार या कोई और सरकार, तो उस सरकार की बात को OPS को खत्म कर देगी। इसलिए हम लोग मांग कर रहे हैं सरकार से कि PFRDA एक्ट को खत्म करो, ताकि ये नियम बन जाएगा कि जहाँ भी OPS लागू हो गया है वहाँ किसी भी हालत में समाप्त नहीं किया जाए, और जो भी राज्य बचे हुए हैं वहाँ भी OPS को लागू किया जाए, और जितने भी हमारे प्राइवेटाइजेशन के कगार पर पहुँच गए, हर चीज़ को प्राइवेटाइजेशन के मोड़ पर ला दिया गया है, उस चीज़ को बंद कीजिए। आप सब सरकारी संपत्ति को आप बेच नहीं सकते हैं, तो प्राइवेटाइजेशन का भी हम लोग विरोध कर रहे हैं, NPS का विरोध कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट बहाली का विरोध कर रहे हैं, और इस तरह हमारी 7 डिमांड है। जितने भी कॉरपोरेट कंपनी में काम करने वाले मजदूर वर्ग, उन लोगों के लिए भी हमारी मांग है कि उन लोगों का भी जो भी कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, बैंक, बीमा, जेल, सेल सबको बेचा जा रहा है, उस चीज़ पर रोक लगाओ, और 7 सूत्री मांगों को आज हमारे मांग है उसको सफल करो। और यदि इतने पे भी नहीं चेता तो फिर इसके बाद हम लोग एक रूपरेखा निश्चित करेंगे और संपूर्ण भारत में आंदोलन करेंगे, कर्मचारी आंदोलन करेंगे और अपने हक के लिए कटिबद्ध है। और अगर सरकार रैली में आज जो भावनाएं उमड़ी हैं उसकी भावनाओं का कदर करते हुए इन मांगों का समाधान नहीं किया तो निश्चित तौर से एक बड़े आंदोलन का ऐलान बहुत जल्दी हम करने वाले हैं।